नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत देश और विदेशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत जरूर रखती है। आइए आपको बताते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार वे तीन कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें व्रत का फल कभी नहीं मिलता तथा माँ गौरी उन पर क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्री को हमेशा से ही शक्ति का स्वरूप माना गया है, इसलिए उसे ये वरदान मिला है कि वो जिसके लिए भी तप करेगी उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत में अपने पति की लंबी उम्र का वरदान जरूर मांगती है, जो एक तरह से तप ही माना गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस व्रत की शुरुआत कैसे करें। सुबह सूरज उगने से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें बहू के लिए कपड़े, उसके श्रृंगार की चीजें, साथ ही फल नारियल रखा जाता है। सास द्वारा दी गई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर सास साथ में नहीं है तो वो बहू को पैसे भी भिजवा सकती है ताकि वो अपने लिए सारा सामान खरीद सके। सास द्वारा दी गई सारी वस्तुओं को लेकर ही अपने व्रत की शुरुआत करें। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर वे कौन सी तीन महिलाएं हैं जिन्हें भूल कर भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। पहली स्त्री है लड़ाई झगड़ा करने वाली औरतें। दोस्तों, यदि कोई स्त्री हमेशा अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती है, दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो ऐसी स्त्री को इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। ऐसे तनाव भरे माहौल में मन में पति के बारे में बुरे विचार आते हैं और ऐसे क्रोधित मन से करवा चौथ का व्रत रखने से व्रत खंडित होता है, जिससे ये व्रत पूरा नहीं हो सकता, जिसके फलस्वरूप पति पत्नी दोनों को ही मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को ये व्रत तभी रखना चाहिए जब उसका मन साफ हो। दोस्तों, दूसरी स्त्री है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली औरतें। जो औरतें बिना शादी के ही पति पत्नी जैसा जीवन व्यतीत करती है, ऐसी स्त्री को ये व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को ही करवा चौथ मनाने का अधिकार है, अन्य किसी भी स्त्री को नहीं। बिना शादी की रस्म और वचन के आप करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती, इसलिए जो भी स्त्री लिव इन रिलेशनशिप में रहती है उन्हें भूल कर भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, तीसरी महिलाएं हैं चरित्रहीन औरतें। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने पति के होते हुए किसी गैर मर्द के साथ संबंध रखती है, उसके प्रति प्रेम की भावना रखती है, तो ऐसी महिला को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत केवल पतिव्रता स्त्री ही रख सकती है, कोई चरित्रहीन औरत नहीं। अगर फिर भी कोई चरित्रहीन औरत इस व्रत को रखती है तो माँ गौरी उस पर क्रोधित हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को भी इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को व्रत न रखने का कारण केवल उनका स्वास्थ्य होता है, अन्य कोई कारण नहीं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं का व्रत रखना उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को ये व्रत नहीं रखना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह लेकर ही व्रत रखे। तो दोस्तों, ये थी वो तीन स्त्रियां जिनको करवा चौथ का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।